देखिए लास्ट टर्न पे आपको बताया गया था, क्वेश्चंस बता दिए गए थे, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन और बचे, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिए लिखिए, टू इक्वल यूनिफॉर्म रॉड, टू इक्वल यूनिफॉर्म रॉड ए बी एंड ए सी, टू इक्वल यूनिफॉर्म रॉड ए बी एंड ए सी कॉमा ईच ऑफ लेंथ टू बी, ईच ऑफ लेंथ टू बी आर फ्रीली जॉइंटेड, आर फ्रीली जॉइंटेड एट कैपिटल ए, आर फ्रीली जॉइंटेड एट कैपिटल ए एंड एंड रेस्ट ऑन आ, एंड रेस्ट ऑन आ स्मूथ सर्किल, एंड रेस्ट ऑन अ स्मूथ सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल ए, ऑफ रेडियस स्मॉल ए, ऑफ रेडियस स्मॉल ए, देन शो दैट, देन शो दैट इफ टू थीटा, इफ टू थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, if 2 theta be the angle between them, then prove that, then prove that b sin cube theta is equal to a cos theta, then prove that b sin cube theta is equal to a cos theta, b sin cube theta is equal to a cos theta। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दो इक्वल यूनिफॉर्म रॉड है ए बी और ए सी, ईच ऑफ लेंथ टू बी आर फ्रीली जॉइंटेड एट ए। एक रॉड है हमारी ए बी और दूसरी रॉड है हमारी ए सी, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ आपको दे रखा है टू बी है, ये भी हमारा टू बी है, ये भी हमारा टू बी है, फ्रीली जॉइंट एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पे इसको जोड़ा गया है, ठीक, एंड रेस्ट ऑन अ स्मूथ सर्किल, एक सर्किल के ऊपर, एक सर्किल के ऊपर रेस्ट की पोजीशन पे इसको रखा गया है, ठीक है। ये एसी सर्किल हमारा फिक्स है, सर्किल हमारा फिक्स है, तो कह रहा है कि ये प्रूफ करो, जहाँ ए सर्किल की रेडियस है और टू थीटा उनके बीच का एंगल है, मतलब ये पूरा एंगल टू थीटा है एंड ए बी द रेडियस ऑफ सर्किल। अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएं तो ये ए होगा, इस पॉइंट को भी इस पॉइंट से मिलाएं, ये टच कर रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट को भी इस पॉइंट से मिलाएं तो ये भी हमारा ए होगा, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ जॉइंट कर दिया, ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त पे बना, अगर आप इसकी बात करें, ये ए है, ये ए है, ठीक, ये कॉमन है और कोई भी वृत्त में रेडियस उसके टेंजेंट पे 90 एंगल बनाती है, ये 90, ये 90, ये ए, ये ए, ये कॉमन, मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सर्वांगसम है। अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गए, सर्वांगसम होगा, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, पूरा टू थीटा है तो आधा आधा कितना होगा, थीटा और थीटा, ये कंसेप्ट हम दिए थीटा और थीटा का, क्या बोले, ये कॉमन, ये ए है हमारा ट्रायंगल में, ये भी ए है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, कोई भी रेडियस
टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये 90 ये 90, और इन दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम हो गया तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, दोनों एंगल थीटा और थीटा हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी रॉड का जो वेट होता है वो उसके मिड पॉइंट पे काम करता है। मान ले रहे इसका वेट W, इसके मिड पॉइंट पे काम कर रहा है जो है G1, और इसका वेट इसके मिड पॉइंट पे काम कर रहा है जो है हमारा G2। और चूंकि दोनों रॉड हमारी सिमिलर है तो जो इसका वेट होगा वही उसका वेट होगा। यूनिफॉर्म होने का मतलब ही यही है कि दोनों की लेंथ बराबर है और दोनों का वेट बराबर है, ठीक है। तो इसका वेट W है तो इसका वेट भी क्या होगा W, वो इसके भी मिड पॉइंट पे काम करेगा, इसके भी मिड पॉइंट पे काम करेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी B रही होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी रही होगी B रही होगी, ठीक। इसको आपस में मिला देंगे, ये मिला दिया, और ये जो पॉइंट मिल रहा है, मान ले रही ये पॉइंट है हमारा M। डायग्राम समझ में आया? दो रॉड है, दो रॉड को इस तरीके से रखा गया है, क्योंकि ऐसे छोड़ेंगे और यहाँ से अगर पकड़ेंगे तो ये दोनों ऐसे हो जाएंगी, कोलैप्स कर जाएंगी। उस कोलैप्सिंग को रोकने के लिए यहाँ पे एक सर्किल रख दिया गया है ऐसे, ठीक। अब ये कोलैप्स नहीं करेगी। फिर कहा गया कि इस सर्किल की रेडियस ए है, दोनों रॉड यूनिफॉर्म है तो दोनों का वेट उनके मिड पॉइंट पे काम करेगा, दोनों रॉड की लेंथ 2B है, दोनों एंगल 2 थीटा बनाती हैं तो अलग अलग कितना बनाएंगे थीटा, तो आपको वो एक्सप्रेशन प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आया? बी साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, क्लियर। अब कैसे करेंगे देखिए, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में होगा तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनके द्वारा किया गया वर्क डन, वर्चुअल वर्क डन का एल्जेब्रिक सम 0 के बराबर होगा। एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, इन दोनों के द्वारा किए गए वर्चुअल वर्क डन का एल्जेब्रिक सम किसके बराबर होगा? 0। अब ध्यान से सुनिए, इस सिस्टम में क्या चीज़ फिक्स मानेंगे? आपको दिया है कि सर्किल फिक्स है, पढ़िए क्वेश्चन में, आपको दे रखा है ऑन अ स्मूथ सर्किल, फ्रीली जॉइंट एंड रेस्ट ऑन अ स्मूथ सर्किल, सर्किल के ऊपर रेस्ट की पोजिशन में है, सर्किल फिक्स है। अगर सर्किल फिक्स होगा तो सर्किल का सेंटर भी क्या होगा? फिक्स। तो सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? सर्किल के सेंटर से। इतना क्लियर है? अब देखिए कैसे करेंगे, W वेट यहाँ काम कर रहा है G1 पे, फिक्स पॉइंट O है तो O की G1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, O की G1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इस पर क्या डाल देंगे? परपेंडिकुलर। एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया, एक लाइन यहाँ ड्रॉ है ही, इससे इस पर क्या डाला? परपेंडिकुलर। चूंकि वेट ऐसे काम कर रहा है और डिस्टेंस आप ऐसे मेजर कर रहे हैं, तुरंत साइन क्या आएगा? नेगेटिव। माइनस डब्लू इंटू डेल साथ में आएगा OM, और ठीक दूसरे वाले के लिए ऐसे करेंगे तो -W into del साथ में आएगा OM इज इक्वल टू 0, -2W into del OM इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट W into del OM इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास केवल एक सिंपल सा काम है, OM की वैल्यू निकालना, OM की वैल्यू को फाइंड आउट करना। चलिए फाइंड आउट कराइए। हियर OM इज इक्वल टू, OM का मतलब होगा OA माइनस MA, दिस इम्प्लाइज दैट OM इज इक्वल टू OA। OA के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए, देखिएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला इन ट्रायंगल ओ
पी ए ओ पी ए, ठीक। हमको क्या चाहिए इसमें से, ओ ए, ओ ए ये लंब हो गया, 90 के सामने वाला कर्ण हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब, ओ पी कर्ण, ओ ए, क्लियर है। तो इससे ओ ए का मान निकालेंगे, दिस इंप्लाइज दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ पी अपॉन साइन थीटा। ओ पी अपॉन साइन थीटा का मतलब होगा ओ पी कॉसेक थीटा, है ना। यहाँ लिख रहा है ओ पी कॉसेक थीटा माइनस एम ए। एम ए का मान निकालने के लिए इस ट्रायंगल का सहारा लेंगे, इस छोटे वाले ट्रायंगल का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये इससे कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। चलिए बोलिए, इन ट्रायंगल ए जी वन एम, ठीक है, ए जी वन एम, हमको चाहिए एम ए। एम ए मतलब ये आधार, 90 के सामने का कर्ण, ये हमारा लंब। कॉस थीटा का मान निकालेंगे, आधार बटे कर्ण, आधार है हमारा ए एम, कर्ण है हमारा ए जी वन, ठीक है, जो इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज दैट ए एम इज इक्वल टू ए जी वन कॉस थीटा, ए जी वन कॉस थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट ओ एम इज इक्वल टू ओ पी का मतलब हो गया, ओ पी का मतलब हो गया ए, है ना, ए कॉसेक थीटा माइनस ए जी वन, ए जी वन का मतलब हो गया बी कॉस थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट, ये हमको ओ एम की वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू को यूज कर रहे इक्वेशन वन में, हैंस फ्रॉम इक्वेशन वन, चल इक्वेशन वन में रखवाइए, W इंटू डेल साथ में मिलेगा A cosec थीटा माइनस B cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट W इंटू डेल, इंटीग्रेट कर, डिफ्रेंशिएट कराइए, A cosec थीटा का माइनस cosec थीटा इंटू cot थीटा माइनस B cos थीटा का माइनस sin थीटा, माइनस माइनस मिल करके प्लस, और डेल थीटा यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी उसको बाहर कर दिए, डेल थीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट डब्लू इंटू, पहले इसको लिख रहे हैं, ये डेल हट जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो चुका है ना, डब्लू इंटू बी साइन थीटा माइनस ए कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू डेल थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। आपको पता है कि डेल थीटा कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, और तो और डब्लू भी कभी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, तो जो बची हुई क्वांटिटी मिलेगी वो आएगी बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट बी साइन क्यूब थीटा, है ना, दो साइन तीन साइन, माइनस ए कॉस थीटा बाहर की तरफ मिलेगा इंटू वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो आएगा बी साइन क्यूब थीटा माइनस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, बी साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, है ना, लिखिए लिखिए, लेट अस कंसीडर ए बी एंड ए सी, लेट अस कंसीडर ए बी एंड ए सी आर
आर टू इक्वल रॉड्स ऑफ लेंथ 2b. Let us consider AB and AC are two equal rods of length 2B such that capital W be the weight of each rod, such that capital W be the weight of each rod, such that capital W be the weight of each rod which acts at the midpoint G1 and G2 of these two rods respectively. Of these two rods respectively. Full stop. Let O be the center of fixed smooth circle such that small a be its radius. Such that small a be its radius. Full stop. Let 2 theta be the angle between these two rods. These two rods such as angle PAM is equal to angle QAM is equal to angle QAM. ठीक है, where m क्या है, a से G1 G2 को मिलाने वाली लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर का फुट मतलब होता है पैर. ये am का फुट है, पैर है, am का फुट है जो कि G1 और G2 पे परपेंडिकुलर है ना. वेयर कैपिटल M बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वेयर कैपिटल M बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए joining the line G1 and G2. हो गया, लाइन चेंज करके लिखिए. Let the system is slightly displaced. so that theta becomes theta plus del theta
so that theta becomes theta plus del theta, then the principle of virtual work done is then the principle of virtual work done is pura kar lijiye अब आपका क्लास भी तीन तीन ही घंटा चलेगा है ना, दो घंटा तीन घंटा, दो घंटा तीन घंटा, सर पढ़ाइए कभी दो घंटा कभी दो घंटा, हम पढ़ा दिए तो चार घंटा चलेगा मैथ्स का, दो से चार घंटे के बीच में वैरी करेगा है ना। टाइमिंग्स भी थोड़ी चेंज करेंगे, उसके बारे में हम आपको बता देंगे।
हो गया, डायग्राम बना लीजिए। एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल हम लोग कैटनरी शुरू करेंगे। कल कैटनरी शुरू करने का मतलब है 12 तारीख से हम ऑफ कर रहे हैं, 12, 13, 14, 15 दिवाली को ऑफ है, ठीक है। उसके पहले पहले कैटनरी ख़त्म हो जाएगा। एक चैप्टर बचेगा स्टेबल एंड अनस्टेबल, वो हम जब शुरू करेंगे तो 21-22 तक वो ख़त्म हो जाएगा। आपका मतलब फर्स्ट सेक्शन ख़त्म हो गया, ठीक है। नवंबर में हमने फर्स्ट सेक्शन ख़त्म कर दिया, दिसंबर जनवरी में पूरा मैकेनिक्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जो है हम 2 घंटा आपको रियल एनालिसिस ही रोज़ पढ़ाएंगे, रियल एनालिसिस रोज़ पढ़ाएंगे तो फरवरी मिड तक वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद केवल सर का पेपर बचेगा, जैसे सर पढ़ाएं अपना ख़त्म करें, ठीक है। तो मतलब हम बता इसलिए रहे हैं कि टाइम से एकदम कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, है ना। कोप्लेनर फोर्स पढ़ा आपने, समझ में आया? पक्का नहीं? मैकेनिक्स नहीं शुरू किया अभी तक? कोप्लेनर फोर्स वीडियो देखा, समझ में आ रहा है? हाँ, लिख रहे हैं, वो भी गया। क्या चीज़? रियल एनालिसिस की कोप्लेनर फोर्स है, और कोप्लेनर फोर्स अभी नहीं शुरू किए हैं, कब करेंगे? नहीं तो उसका पीछे वाला देख लीजिए, ज़रूरी है वो कोप्लेनर फोर्स देखना, है ना। बहुत वीडियो हम भेज चुके हैं, PDF। अच्छा ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। द
मिडिल पॉइंट ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड्स द मिडिल पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ आ जॉइंटेड ऑफ आ जॉइंटेड क्वाड्रिलेटरल ऑफ आ जॉइंटेड क्वाड्रिलेटरल आर कनेक्टेड बाई लाइट रॉड्स आर कनेक्टेड बाई लाइट रॉड्स ऑफ लेंथ एल एंड एल डैश ऑफ लेंथ एल एंड एल डैश इफ फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा इफ T and T dash, if T and T dash be the thrust in these rods, be the thrust in these rods, be the thrust in these rods, then prove that T by L plus T dash by L dash इज इक्वल टू ज़ीरो. इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए. देखिए एक बात हम बता दें, जितना हम पढ़ा रहे हैं पेपर उसी में से बनेगा. तो हम सब क्वेश्चन के आगे आपको इम्पॉर्टेंट नहीं लिखवा सकते. बस ऐसे ही समझ लीजिए कि मैम इम्पॉर्टेंट ही पढ़ाती हैं और मैम के ही पढ़ाने से पेपर बनता है. बस मेरी यही खासियत. जितने लोग हमको जानते हैं उनको पता है कि जितना हम पढ़ा देंगे पेपर उसी में से आना है, उसी में से ही पेपर बनेगा और कहीं से नहीं बनता है. जितना पढ़ाएंगे सब उसी में से मिल जाएगा. अगर हमने किसी चैप्टर में 8 क्वेश्चन कराए हैं या 28, पेपर उसी में से आएगा. ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है. देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए. कह रहा है टू इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स ए बी सॉरी द मिडिल पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्री जॉइंट ऑफ जॉइंटेड क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, इसको हम नाम दे रहे हैं ए बी सी डी. ठीक, आगे कह रहा है ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ जॉइंटेड क्वाड्रिलेटरल आर कनेक्टेड बाय लाइट रॉड्स. इसको एक रॉड के द्वारा जोड़ा गया. ऑपोजिट साइड, एक साइड ये है, इसका ऑपोजिट ये है. कह रहा है द मिडिल पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ये साइड इसको ऑपोजिट ये, इनके मिडिल पॉइंट को एक रॉड से जोड़ा गया है. ये रॉड, ये साइड, ये इसके ऑपोजिट ये, इसके भी मिडिल पॉइंट को रॉड से जोड़ा गया है. ठीक है, मान ले रहे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ओ. इस रॉड में थ्रस्ट होगा. कह रहा है पी क्यू रॉड में जो थ्रस्ट है वो टी है. पी क्यू में जो थ्रस्ट है, एक में टी है और दूसरे में टी डैश है. एक रॉड में थ्रस्ट टी है, एक रॉड में थ्रस्ट टी डैश है. तो कह रहा है ये प्रूफ करके दिखाओ. जहां एल और एल डैश लाइट रॉड्स की लेंथ है, इस वाली रॉड की लेंथ है L. ठीक है, और इस वाले की रॉड की लेंथ है L डैश. क्लियर हो गया क्वेश्चन, अब बस प्रूफ करना रहेगा. चलिए इक्वेशन, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क डन लिखवाइए. कितने फोर्स काम कर रहे हैं, दो. एक T काम कर रहा है, दूसरा T डैश. लाइट रॉड कहने का मतलब इस रॉड का खुद का वेट कंसीडर नहीं किया गया है. ठीक है,
तो एक रॉड में थ्रस्ट क्या है टी, दूसरे में क्या है टी डैश। आपको पता है थ्रस्ट पॉजिटिव होता है और उसके द्वारा वर्क डन होता है टी इंटू डेल एल। टी वाली रॉड के लिए एल है पी क्यू प्लस टी डैश वाली रॉड के लिए एल का मान है आर एस इज इक्वल टू जीरो। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट टी इंटू डेल पी क्यू का मान आपको दिया गया है एल प्लस टी डैश इंटू डेल एल डैश इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? दिस इंप्लाइज टी इंटू डेल एल इज इक्वल टू माइनस टी डैश इंटू डेल एल डैश। दिस इंप्लाइज दैट टी बाई टी डैश इज इक्वल टू टी बाई टी डैश इज इक्वल टू माइनस डेल एल डैश अपॉन डेल एल। इक्वेशन नंबर वन। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं? लिख लीजिए थोड़ा सा ताकि फिर हम आगे आपको समझा सकें, स्पेस चाहिए होगा। लिखिए, लेट द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज, लेट द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज ए बी सी डी, ए बी सी डी such that the two opposite sides, such that the two opposite sides AD and BC, AD and BC, comma, whose midpoint P and Q, whose midpoint P and Q are connected by a light rod, are connected by a light rod, L-I-G-H-T, light rod का मतलब उसका खुद का weight consider नहीं किया गया है, are connected by a light rod of length L and thrust capital T, of length L and thrust T, ठीक है, full stop। Again, the midpoints of sides AB and CD are connected by a light rod, of length L dash, with thrust T dash, हो गया। देखिए, यहाँ देखिए, इसका डायगोनल बना रहे हैं, ठीक, ठीक है। लिखिए, लेट AC and BD are the diagonals of
आर द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. आर द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी विच मीट्स एट अ पॉइंट ओ. विच मीट्स एट अ पॉइंट ओ. हो गया. नीचे से लिखिए, लेट द सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड. लेट द सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड. जरा ब्लैक बोर्ड पर देखिएगा, हर क्वेश्चन में डेल थीटा मिलता था, है ना. यहाँ क्या मिल रहा है, डेल एल और डेल एल डैश. तो हम लिखवाते थे थीटा बिकम्स थीटा प्लस डेल थीटा. यहाँ लिखवाएंगे एल बिकम्स एल प्लस डेल एल एंड एल डैश बिकम एल डैश प्लस डेल एल डैश. क्वेश्चन का पहला इंपॉर्टेंट पार्ट समझ में आया. हर जगह हम लिखते थे इफ द सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड देन थीटा बिकम्स थीटा प्लस डेल थीटा. यहाँ हम क्या लिखवाएंगे, एल बिकम्स एल प्लस डेल एल एंड एल डैश बिकम एल डैश प्लस डेल एल डैश. ये क्लियर हुआ पहला पार्ट इसका क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये बताया मैंने आपको. ठीक है, देखिए, लेट द सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड कॉमा सो दैट एस ओ सो दैट एल बिकम्स सो दैट एल बिकम्स एल प्लस डेल एल सो दैट एल बिकम्स एल प्लस डेल एल एंड एंड एल डैश बिकम्स एल डैश प्लस डेल एल डैश एंड एल डैश बिकम्स एल डैश प्लस डेल एल डैश. हो गया. नीचे से लिखिए, देन द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन इज देन द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन इज उतारिए. हो गया, यहाँ तक हो गया. इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ लिख रहे हैं, उसके बाद हम सब मिटा रहे हैं. टी बाई टी डैश इज इक्वल टू माइनस डेल एल डैश अपॉन डेल एल. ठीक है, अब जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिएगा. आज हम पहले इसको ख़त्म कर लेंगे इस चैप्टर को, उसके बाद जितना टाइम बचेगा उतने में हम आपका वो पढ़ाएंगे. ठीक है, जैसे अगर इसको ख़त्म करने में हमको एक घंटा प्लस 15-20 मिनट लग गया तो हम ले लेंगे, फिर आधी घंटा ही केवल वो चलाएंगे. मेन क्या है कि चैप्टर ख़त्म हो जाए, बार 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 रह रहा है बच रहा है. ठीक है, देखिए डायग्राम बना लिया आपने, बन गया है. अब देखिए, सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेकर के चलेंगे. बन चुका है ना डायग्राम, बनाइए बनाइए बनाइए, फिर हम वो गंदा हो जाएगा बहुत.
हो गया। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे, दिस वन, ठीक है। कहते हैं इसमें किसी भी ट्रायंगल में अगर यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला जाए, पढ़ा होगा आपने, अगर ए बी सी डी है तो कहते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये थ्योरम होता है, प्रूफ भी था इसका, ठीक है। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर टू टाइम्स ऑफ इतना या इतना प्लस इतना, यहाँ एप्लीकेबल करिए, इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ इतना स्क्वायर या इन दोनों में से किसी एक का स्क्वायर, है ना। इन ट्रायंगल ए बी ओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ, चलिए बोलिए, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ओ आर स्क्वायर और ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स ए आर की जगह लिख रहे हैं ए बी बाई टू, ए आर की जगह लिख रहे हैं ए बी बाई टू, क्योंकि आपको पता है ये मिड पॉइंट है ना। ए बी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ओ आर की जगह लिख रहे हैं आर एस बाई टू का होल स्क्वायर, ओ आर की जगह आर एस बाई टू का होल स्क्वायर, क्लियर। दिस इम्प्लाइज दैट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू ए बी स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर, ठीक। इक्वेशन नंबर वन, कोई डाउट इसमें। अब उसके बाद ये वाला ट्रायंगल पिक करिए, ये, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ बी सी, चलिए बोलिए, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर टू टाइम्स ऑफ ओ क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर टू टाइम्स ऑफ ओ क्यू की जगह लिखा जा सकता है पी क्यू बाई टू का स्क्वायर प्लस बी क्यू की जगह लिखा जा सकता है बी सी बाई टू का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू पी क्यू स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर टू, ठीक। अब तीसरी बार हम ये ट्रायंगल पिक कर रहे हैं, ये, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ सी डी, बोलिए, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ, बोलिए, ओ एस स्क्वायर प्लस सी एस स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर टू टाइम्स ऑफ ओ एस की जगह लिख सकते हैं, वेरी गुड, आर एस बाई टू का होल स्क्वायर, सी एस की जगह लिख सकते हैं सी डी बाई टू का होल स्क्वायर, जो इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर वन बाई टू आर एस स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक। एक ट्रायंगल बच गया है, अब उस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। इन ट्रायंगल ए ओ डी, ए ओ डी है ना, करवाइए। इन ट्रायंगल ए ओ डी, बोलिए, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम
टाइम्स ऑफ ओपी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर. दिस इंप्लाइज दैट ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ओपी की जगह लिख रहे हैं पी क्यू बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ए पी की जगह लिख रहे हैं ए डी बाई टू का होल स्क्वायर. दिस इंप्लाइज दैट ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर. इक्वेशन नंबर फोर. यहाँ तक मैं आपको कोई डाउट नहीं? चलिए डायग्राम मिटा दें, अब हम काम खत्म हो गया इसका. चलिए अब देखिए क्या करेंगे. अब क्या करिए, सेम टाइप वाले इक्वेशन को जोड़ दीजिए. सेम टाइप वाले इक्वेशन को जोड़ने का मतलब ये हो गया ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी एक और तीन को जोड़ दीजिए, दो और चार को जोड़ दीजिए. एडिंग इक्वेशन वन एंड थ्री, एडिंग इक्वेशन वन एंड थ्री वी गेट. चलिए वन और थ्री को जुड़वाइए. ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर. ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू वन बाई टू. वन बाई टू को हमने बाहर कर दिया. उसके बाद आपको मिलेगा ए बी स्क्वायर सी डी स्क्वायर टू टाइम्स ऑफ आर एस स्क्वायर. ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर टू टाइम्स ऑफ आर एस स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज दैट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस आर एस का होल स्क्वायर. इक्वेशन नंबर फाइव. ठीक, अब दो और चार को जोड़िए. एडिंग इक्वेशन टू एंड फोर वी गेट. चलिए बोलिए क्या आएगा. दो है ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर ओ डी स्क्वायर. मिलेगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी. ए ओ और ओ ए कोई अंतर थोड़ी नए की चीज़ है. ठीक है, वन बाई टू. देखिए पी क्यू और पी क्यू मिल करके टू टाइम्स ऑफ पी क्यू और बी सी और ए डी. ठीक है, बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ पी क्यू स्क्वायर. ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर. ये इक्वेशन नंबर सिक्स. अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि इक्वेशन नंबर फाइव और सिक्स दोनों का एल एच एस बराबर है. अगर एल एच एस बराबर होगा तो दोनों का आर एच एस भी क्या होगा, सेम होगा. ठीक है, उसी का हम यूज़ करेंगे. उतारिए पहले इतना.
हो गया। हो गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 5 और 6 को देखिए। इक्वेशन नंबर 5 और 6 के दोनों के LHS सेम है, तो RHS भी क्या होंगे? सेम होंगे। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 कॉमा वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 कॉमा वी गेट, RHS को बराबर करेंगे तो मिलेगा हाफ AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस RS का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ BC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए सिंस ABCD is a quadrilateral, अगर ये quadrilateral है तो इसका मतलब AB बराबर होगा BC के, BC बराबर होगा CD के, CD बराबर होगा DA के। तो AB की जगह हम लिख सकते हैं BC, BC से BC कैंसिल हो जाएगा, CD की जगह लिख सकते हैं DA, ये कैंसिल हो जाएगा, केवल आपको मिलेगा this implies that RS का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, मिलेगा 2RS इंटू डेल RS इज इक्वल टू 2PQ इंटू डेल PQ। अपनी कॉपी में देखिए डायग्राम में 2RS का मान क्या दिया गया है, RS इज इक्वल टू लेंथ क्या दी गई है, आर एस की लेंथ कितनी है एल डैश, मिलेगा 2 L- इंटू डेल एल डैश 2L इंटू डेल एल। दिस इम्प्लाइज दैट डेल एल डैश अपॉन डेल एल, डेल एल डैश अपॉन डेल एल, 2 से 2 कैंसिल, L अपॉन एल डैश। ठीक, आपको एक एक्सप्रेशन लिखवाया होगा, देखिए टी अपॉन टी डैश इक्वेशन नंबर 1, इसको ए बना दीजिए, कैपिटल ए, इक्वेशन 1 की जगह कैपिटल ए कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल ए, जरा एक कैपिटल ए वाला इक्वेशन बोलिएगा क्या है, टी अपॉन टी डैश इज इक्वल टू माइनस डेल एल डैश अपॉन डेल एल, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए आएगा दिस इम्प्लाइज टी अपॉन टी डैश इज इक्वल टू डेल एल डैश अपॉन डेल एल की वैल्यू एल अपॉन एल डैश माइनस एल अपॉन एल डैश। ठीक है, आपको प्रूफ करना है टी अपॉन एल, देखिए दिस इम्प्लाइज दैट, इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, टी अपॉन एल इज इक्वल टू माइनस टी डैश अपॉन एल डैश,
दिस इम्प्लाइज टी बाई एल प्लस टी डैश बाई एल डैश इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, उतारिए. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. लिखिए, अ हैवी रॉड ऑफ लेंथ 2L, अ हैवी रॉड ऑफ लेंथ 2L, अ हैवी रॉड ऑफ लेंथ 2L rest upon a fixed smooth peg 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 at capital C with its end capital B upon a smooth curve
अपॉन अ स्मूथ कर्व, फुल स्टॉप. इफ इट रेस्ट इन ऑल पोजिशन, इफ इट रेस्ट इन ऑल पोजिशन, देन शो दैट द कर्व इज अ कॉनिक, देन शो दैट द कर्व इज अ कॉनिक, देन शो दैट द कर्व इज अ कॉनिक वेयर सी इज पोल एंड द इक्वेशन ऑफ कॉनिक, एंड द इक्वेशन ऑफ कॉनिक, एंड द इक्वेशन ऑफ कॉनिक इन पोलर फॉर्म इज आर इज इक्वल टू एल प्लस ए अपॉन साइन थीटा, आर इज इक्वल टू एल प्लस ए अपॉन साइन थीटा. ठीक है, देखिए क्या कह रहा है. क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन थोड़ा अलग हट करके है. कह रहा है अ हैवी रॉड ऑफ लेंथ 2L. हैवी रॉड कहने का मतलब उस रॉड का खुद का वेट कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, 2L रेस्ट अपॉन अ फिक्स्ड स्मूथ पेग एट सी विथ हिज एंड बी अपॉन अ स्मूथ कर्व. जैसे ये कोई कर्व हो, जैसे ये कोई कर्व है. ठीक है, कर्व देखे ऐसे गोल घुमा के बनाए, ये रॉड है ऐसे रखी है, छोड़ेंगे तो गिर जाएगी है ना, नहीं टिकेगी ना इसके ऊपर. तो कहा गया है कि यहाँ पे एक खूंटी लगाई गई है, उस खूंटी से अगर इसको रोका जाए तो ये रुक जाएगी. जैसे अगर ये मान लीजिए ऐसे रखी हुई है और गिर जा रही है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक खूंटी लगा दिया, इस खूंटी के सहारे टिकी रहेगी, गिरेगी नहीं. तो क्या कहा जा रहा है कि ये कोई कर्व है, जैसे ये कॉपी है, इसके ऊपर हमने एक रॉड को रख दिया, गिर जाएगी ना गिरे, इसके लिए हमने यहाँ से एक खूंटी से इसको बांध दिया, तो ये गिरेगी नहीं, यहाँ पे फिक्स रहेगी और यहाँ पे फिक्स रहेगी. मान ले रहे, आगे कह रहा है अ हैवी रॉड ऑफ लेंथ 2L. इस रॉड की लेंथ कितनी है, 2L है. फिक्स अपॉन अ स्मूथ पेग एट सी, सी पे एक पेग के सहारे फिक्स की गई है. ठीक, विथ इट्स एंड बी अपॉन अ स्मूथ कर्व, उसका एक एंड बी है जो कर्व पे स्थित है, दूसरा एंड मान ले रहे कैपिटल ए है. चूंकि हैवी रॉड है तो उसका खुद का कोई वेट होगा, उसका वेट उसके मिड पॉइंट पे काम करेगा. मान ले रहे ये जी उसका मिड पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिस पे इसका वेट काम कर रहा है डब्ल्यू. ठीक, आगे देखिए, देन शो दैट द कर्व इज अ कॉनिक वेयर सी इज द पोल ऑफ द कॉनिक इन द पोलर फॉर्म. ये तो आपको शो करना है कि ये जो कर्व बन रहा है, ये कर्व ये कॉनिक होगा. कॉनिक बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथ्स फोर्थ में आपने पढ़ा होगा, जिसका पोलर फॉर्म ये है. ठीक है, अब देखिए ये आपका फिक्स पॉइंट है. कैसा पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है. वेट कहाँ काम कर रहा है, जी पे. तो आपको पता है जी की डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से लेते हैं. डिस्टेंस लेने के लिए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये डालेंगे, इसको मान रहे हैं एम. क्लियर है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्कडन लगाने चल रहा है. कितने फोर्स काम कर रहे हैं, गिन के बताइए. केवल एक, उसका वेट है ना, वेट W इंटू डेल. वेट किस पॉइंट पे काम कर रहा है, जी पे. जी की फिक्स पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जी की फिक्स पॉइंट सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे. यहाँ एक यहाँ फिर इससे इस पे क्या डाल देंगे, परपेंडिकुलर. यही परपेंडिकुलर किसके बराबर है, जी एम के. डेल इंटू जी एम इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर वन.
अब हमको केवल किसकी वैल्यू निकालनी है, जीएल की वैल्यू निकालनी है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब देखिए जीएम की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जीएम इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे जीएम की वैल्यू निकालने के लिए, हियर जीएम इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में देखिएगा, ठीक। आपको पता है कि फिक्स्ड पॉइंट से जो एंगल बनता है वही एंगल क्या मानते हैं, थीटा, हमेशा। इन ट्रायंगल सी एम जी ये निकालना है इसके टर्म्स में, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब मतलब जी एम, कर्ण मतलब सी जी, तो जी एम की वैल्यू आएगी सी जी साइन थीटा, ठीक है। या एक काम करिए, ये डिस्टेंस मान लीजिए सी, ठीक है। इस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, सी। देखिए क्या मिलेगा आपको, हमेशा पेग की डिस्टेंस सी मानते हैं, हर जगह पेग की डिस्टेंस कितनी मानते हैं, सी हम लोग मानते हैं ये, ठीक है। देखिए दिस इम्प्लाइज जी एम इज इक्वल टू, सी जी की जगह लिख सकते हैं जी ए माइनस ए सी, ठीक है। सी ए की जगह, सी जी की जगह लिख सकते हैं, सी जी की जगह लिख सकते हैं सी बी माइनस जी बी, सी जी की जगह लिख सकते हैं सी बी माइनस जी बी, सी बी माइनस जी बी, साथ में आएगा साइन थीटा। सहमत है फिर से, दिस इम्प्लाइज जी एम इज इक्वल टू सी बी, सी बी, सी बी की डिस्टेंस, अगर ये फिक्स पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट आर थीटा होगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, पोलर कोऑर्डिनेट में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा हो, बीएससी फर्स्ट ईयर कैलकुलस से। तो इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी रही होगी आर, और ये एंगल कितना रहा होगा थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर, तो सी बी की जगह क्या लिख देंगे, आर माइनस जी बी, जी मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात है अगर पूरी लेंथ 2L है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L, R माइनस L साइन थीटा, ठीक। इस्तेमाल कर दीजिए वन में, यूजिंग इट इन इक्वेशन वन वी गेट W इंटू डेल R माइनस L साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। दो संख्याओं का प्रोडक्ट जीरो के बराबर, आइदर दिस वन इज इक्वल टू जीरो और दिस वन इज इक्वल टू जीरो। आपको पता है डब्ल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो क्योंकि रॉट हमारी हैवी है। दिस इम्प्लाइज दैट डेल आर माइनस एल साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, एक्सक्यूज मी, इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा आर माइनस एल साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो का इंटीग्रेशन जीरो, साथ में एक कांस्टेंट लगता है, उस कांस्टेंट को हम मान रहे हैं ए, ठीक। वेयर ए इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट में हमेशा सी, ऑलरेडी सी लिखते हैं हमको, चूंकि यहाँ ए लिखा है तो हमने ए लिख लिया है, ठीक है। देखिए दिस इम्प्लाइज आर माइनस एल साइन थीटा इज इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज दैट आर माइनस एल इज इक्वल टू ए अपॉन साइन थीटा, दिस इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू एल प्लस ए अपॉन साइन थीटा,
यही प्रूफ करना था। ठीक है लिखिए, लिखिए, लेट अस कंसीडर ए बी बी आ हैवी रॉड ऑफ लेंथ टू एल एंड वेट कैपिटल डब्लू ऑफ लेंथ टू एल एंड वेट कैपिटल डब्लू। ठीक है फुल स्टॉप। लेट द वन एंड कैपिटल बी ऑफ द रॉड वन एंड ई एन डी एंड लेट द वन एंड कैपिटल बी ऑफ द रॉड इज ऑन स्मूथ सरफेस सच एज कैपिटल सी बी द पेग हूज कोऑर्डिनेट आर ब्रैकेट में आर कॉमा थीटा हूज कोऑर्डिनेट ए आर ई आर ब्रैकेट में आर कॉमा थीटा हूज कोऑर्डिनेट आर ब्रैकेट में आर कॉमा थीटा। अगर इसका कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी रही होगी आर और ये एंगल कितना रहा होगा थीटा आर कॉमा थीटा। देन सी बी इज इक्वल टू स्मॉल आर एंड द रेडियस वेक्टर सी बी इसको रेडियस वेक्टर कहते हैं आपने पढ़ा होगा एंड द रेडियस वेक्टर सी बी मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल makes an angle theta with the horizontal. हो गया लिखिए let G be the center of gravity of rod AB. Let G be the center of gravity of rod AB at which the whole weight capital W acts. At which the whole weight capital W acts. Full stop. Draw a perpendicular GM. यहाँ लिखा है. Draw a perpendicular GM from G on the horizontal line passes through C. On the horizontal line passes through C, where C be the fixed point. हो गया? नीचे से लिखिए, let the system is slightly displaced, comma, so that theta becomes theta plus del theta, so that theta becomes
थीटा प्लस डेल थीटा हो गया, देन द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन इज, देन द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन इज उतारिए यहां से लेके पूरा यहां तक विथ डायग्राम, जो आपको सर पढ़ाए हैं वो भी यूनिवर्सिटी में क्लास लेते हैं जैसे हम लेते हैं, तो उनको भी बहुत आइडिया है कि पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता है, इसीलिए रखा गया है उनको ताकि शॉर्ट टाइम पीरियड में ऐसा ना हो कि सब कुछ पढ़ा दे और कुछ पेपर में आए ना, ठीक है। तो मतलब उनका भी पढ़ाए हुआ आपको पेपर में सब मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी में वो भी क्लास लेते हैं। ऐसा है आज हम, अब आपके पास आधी घंटा और बचा है तो आधी घंटे में रियल एनालिसिस का थ्योरम हो नहीं पाएगा, बहुत लंबा थ्योरम है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर इसी में शुरू कर दे रहे हैं, कल हम रियल एनालिसिस पढ़ाएंगे, है ना। आधी घंटा हम पढ़ाएंगे भी और कुछ कुछ कवर भी नहीं होगा उसमें, बहुत लंबा थ्योरम है। डायग्राम बन गया,
वो क्या? हो गया, नीचे से लिखिए विच शोज दैट द कर्व इज अ कॉनिक सेक्शन विच शोज दैट द कर्व इज अ कॉनिक सेक्शन विथ सी एज पोल, विथ सी कैपिटल सी एज पोल, POLE पोल। हो गया, चैप्टर खत्म हो गया आपका, है ना। इस चैप्टर में इतने से अलावा कुछ नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए इसी में, थर्ड चैप्टर। क्या कह रहे हैं? जितना हम पढ़ा दिए इसके बाद में, जो हम बुक में मार्क लगवाएंगे केवल वो पढ़ना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, कैटनरी। एक्सक्यूज मी, कैटनरी। कैट नरी, कैट नरी। पहले इसके बारे में कुछ कुछ चीजें समझ लीजिए, तब हम आपको बताएंगे कि क्या होता है। पहली चीज जो हम लोग समझेंगे वो है फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। ठीक है, पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग क्या होती है। मान लीजिए आप खड़े हैं, हम आपसे कहें झुको, आप झुकेंगे, हम कहें और झुको, और झुकेंगे, हम कहें और झुको, और झुकेंगे, जितना हम आपको झुकने को बोलते जाएं आप झुकते चले जाएं। तो होता क्या है कि ऐसी कंडीशन में आप कहीं रुके नहीं, रेजिस्ट नहीं किए, मतलब विरोध नहीं किए, ऐसे सिस्टम को बोलते फ्लेक्सिबल। मान लीजिए कि आप हैं पतले दुबले खड़े हो, एक सामने मोटा आदमी कोई खड़ा हो, हम बोले दोनों को झुकने के लिए, आप झुक जाएंगे, वो भी झुकेगा, फिर क्या और झुको, तो आप और झुक जाएंगे लेकिन सामने वाला और नहीं झुक पाएगा क्योंकि वो बहुत शरीर से हेल्दी है। तो क्या हुआ, वो अपने झुकने की टेंडेंसी का विरोध करने लगा, वो बोलेगा नहीं अब हम और नहीं झुक पाएंगे। तो होता क्या है, विरोध करना इज कॉल्ड रेजिस्ट करना। विरोध करना मतलब रेजिस्ट करना। अगर वो विरोध कर रहा है, वो नहीं झुक पा रहा है, तो वो फ्लेक्सिबल नहीं है भाई। मोटा आदमी तभी कहते हैं फ्लेक्सिबल कम है। और अगर आप पतले दुबले हैं और विरोध नहीं कर रहे हैं, झुकते चले जा रहे हैं, तो आप फ्लेक्सिबल हैं। तो कहते क्या है कि कोई भी वस्तु अगर अपने इसमें झुकने की प्रवृत्ति का विरोध करती है, जैसे कोई मोटा आदमी झुकने की प्रवृत्ति का विरोध करता है तो वो फ्लेक्सिबल नहीं है। और वो झुकने की प्रवृत्ति का विरोध नहीं करती, इतना बोले इतना झुके, इतना झुके, इतना झुके, इतना झुके, इतना झुके, विरोध नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम फ्लेक्सिबल कहते हैं। मतलब पतला दुबला आदमी क्यों फ्लेक्सिबल कहलाता है, क्योंकि उसको जितना आप चाहें उतना मोड़ सकते हैं, वो विरोध नहीं करता है। लेकिन तंदुरुस्त आदमी, मोटा आदमी, चूँकि अपने में झुकने की प्रवृत्ति का विरोध करता है, इसलिए वो फ्लेक्सिबल नहीं कहलाता है। तो फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग का मतलब ऐसी स्ट्रिंग जिसको जितना चाहें उतना मोड़ सकते हैं, मतलब जो अपने में झुकने की प्रवृत्ति का विरोध ना करती हो, ऐसी स्ट्रिंग जो अपने में होने वाले झुकाव को रेजिस्ट ना करती हो, विरोध ना करती हो, उसको हम लोग फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग कहेंगे। कोई स्ट्रिंग फ्लेक्सिबल है, स्ट्रिंग फ्लेक्सिबल है, जितना मन कर उतना मोड़ लो, मतलब वो अपने में होने वाले झुकाव का विरोध नहीं करेगी। ठीक है, आप पतले दुबले हैं, जितना चाहें उतना मुड़ जाएंगे,
आप अपने में होने वाले झुकाव का विरोध नहीं करेंगे तो आप फ्लेक्सिबल कहलाएंगे। कोई भी स्ट्रिंग फ्लेक्सिबल तब कहलाती है जब वो अपने में होने वाले झुकाव का विरोध नहीं करती है। ऐसे स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग जो फ्लेक्सिबल हो मतलब उसको जितना चाहे उतना मोड़ सके, मतलब वो अपने में होने वाली बेंडिंग का विरोध ना करे, ऐसे स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। ठीक है, लिखिए आ स्ट्रिंग पहले ये हेडलाइन डाल लीजिएगा, इसमें लिखिए फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग में लिखिए, बोले आ स्ट्रिंग विच ऑफर नो रेजिस्टेंस, आ स्ट्रिंग विच ऑफर नो रेजिस्टेंस इन बेंडिंग एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग ठीक है, दूसरी हेडलाइन डालिए कैटनरी। ध्यान समझिए कैटनरी को। एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग ले लीजिए। फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग का मतलब उसको हम जितना चाहे मोड़ ले, वो अपने में होने वाले झुकाव का विरोध नहीं करेगी। ले लिया, मान लीजिए यही है स्ट्रिंग, दो हिस्से हैं, ये और ये रस्सी आपको दिख रही होगी, ये ऐसे लटका दीजिए। मान लीजिए ये इतनी स्ट्रिंग है हमारी, इस स्ट्रिंग को हमने ऐसे लटका दिया दो बिंदुओं के बीच में, मतलब हमारी कोई फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है, इसको हमने दो बिंदुओं के बीच में ऐसे लटका दिया। एक बिंदु को नाम दे रहे हैं ए, दूसरे बिंदु को नाम दे रहे हैं बी। ये हमारी फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है या चेन है जिसको हमने दो फिक्स पॉइंट से लटका दिया। ये फिक्स पॉइंट एक सरल रेखा पे भी स्थित हो सकते हैं या ये पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, लटका दिया। तो ये शेप ग्रेविटी के कारण, भाई आपको पता है सबसे ज़्यादा ग्रेविटी नीचे लगेगी, ग्रेविटी के कारण एक निश्चित आकार को धारण कर लेता है, इसी शेप को हम बोलते हैं कैटनरी। इसी शेप को क्या कहते हैं? कैटनरी। क्या कहे? एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग या चेन ले लो, उसको दो फिक्स बिंदुओं के बीच में हैंग कर दो, वो फिक्स पॉइंट एक हॉरिजेंटल लाइन पे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो अंडर द ग्रेविटी ये एक फिक्स्ड शेप को ऑब्टेन कर लेती है, इस फिक्स्ड शेप को ही हम कैटनरी कहते हैं। इस फिक्स्ड शेप को ही क्या बोलते हैं? कैटनरी। क्लियर है? सबसे पहले हमने उसमें क्या लिया? फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग या चेन, उसको किन्हीं दो फिक्स पॉइंट से हैंग कर दिया, वो एक ही लाइन पे भी हो सकते हैं और ऊपर नीचे भी, अंडर द ग्रेविटी, जिससे ये एक फिक्स्ड शेप को ऑब्टेन कर लेती है, इसको बोलते हैं कैटनरी। ठीक है, लिखिए आ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग और चेन, आ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग और चेन हैंग्स फ्रीली between two points
ब्रैकेट में लिखिए नॉट लाइंग इन द सेम वर्टिकल लाइन, नॉट लाइंग इन द सेम वर्टिकल लाइन, नॉट लाइंग इन द सेम वर्टिकल लाइन, कॉमा ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, कॉमा इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द पोर्शन ऑफ इट्स हैंगिंग, द पोर्शन ऑफ इट्स हैंगिंग, द पोर्शन ऑफ इट्स हैंगिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी टेक्स द शेप ऑफ, टेक्स द शेप ऑफ अ फिक्स्ड कर्व, टेक्स द शेप ऑफ फिक्स्ड कर्व विच इज नोन एज कैटनरी, विच इज नोन एज कैटनरी, विच इज नोन एज कैटनरी। हो गया, समझ में आया? ये हमने सबसे पहले फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग ली या चेन ली, उनको दो पॉइंट से हैंग कर दिया, दोनों सेम हॉरिजेंटल लाइन में हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो ये अंडर ग्रेविटी एक फिक्स्ड शेप को ले लेती है, उसी शेप को हम क्या कहते हैं? कैटनरी। ठीक है, एक लास्ट हेडलाइन डालिए फिर उसके बाद कल बताएंगे। देखिए, कॉमन कैटनरी, कॉमन कैटनरी, कॉमन कैटनरी। देखिए, ऐसी कैटनरी जिसका पर यूनिट लेंथ का वेट, वेट ऑफ पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई का वेट बराबर हो, उसको यूनिफॉर्म कहते हैं या उसको कॉमन कैटनरी कहते हैं। जैसे ये कैटनरी है, इस कैटनरी के एक सेंटीमीटर की दूरी पर वेट निकालिए, तो एकांक सेंटीमीटर की लंबाई की दूरी हर जगह बराबर हो गई, ऐसी कैटनरी को हम कॉमन कैटनरी कहेंगे। मतलब ऐसी कैटनरी जिसका एकांक लंबाई का वेट, दैट इज W बाई L, एकांक लंबाई का वेट हर जगह सेम हो, उसको हम कहते हैं कॉमन कैटनरी। ठीक है, लिखिए, इफ द वेट ऑफ द चेन, इफ द वेट ऑफ द चेन, इफ द वेट ऑफ द चेन और स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग कॉमा पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इज कॉन्स्टेंट, पर यूनिट लेंथ इज कॉन्स्टेंट कॉमा देन कैटनरी इज कॉल्ड कॉमन कैटनरी, देन कैटनरी इज कॉल्ड कॉमन कैटनरी, देन कैटनरी इज कॉल्ड कॉमन कैटनरी। ठीक है, नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, लिखिए इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। आपके कोर्स में कॉमन कैटनरी है, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी।
इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, है ना। आज आपके सर ने क्लास ली लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो आप तो पढ़ ही लिए हैं, बाकी बच्चों को रिकॉर्डिंग अब कल भेजी जाएगी, ठीक।